नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार एनडीए में दरार खुल कर करके सामने नज़र आनी शुरू हो गई है। आज एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि उनका जो गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी के साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ नहीं है। सुनिए क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। गठबंधन हमने भारतीय जनता पार्टी से किया था पिछले लोकसभा चुनाव के समय, तब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग तीन थे। तो गठबंधन धर्म का निर्वहन हमारा दायित्व बनता है कि जिनके साथ हमने गठबंधन धर्म का गठबंधन हमने किया, उनके प्रति हम जवाबदेह हैं गठबंधन धर्म निभाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और है, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और है, लेकिन जो रवैया पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जब से जनता दल यूनाइटेड आया है, हिस्से में हमारी भागीदारी नहीं हो पाई, कोई चर्चा तक नहीं हो पाई, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस शब्द से मुझको संबोधित किया, जिस शब्द ने मुझको बहुत ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं बहुत आहत हुआ हूं। कोई व्यक्ति नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में, जिसको मैं बड़ा भाई मानता हूं जिनको, और उनके मुंह से मेरे लिए कोई सवाल हुआ तो कहा कि निचले स्तर की बात हो गई, नीच शब्द का इस्तेमाल मेरे लिए किया गया, बहुत दुख का विषय है। मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से हमने आग्रह किया है, क्योंकि गठबंधन हमारा भारतीय जनता पार्टी से था और है, तो अमित शाह जी को पहल करनी चाहिए। और हम फिर बताना चाहेंगे कि गठबंधन हमारा उन दोनों पार्टियों से था, अभी तक शायद जनता दल यूनाइटेड से हमारा गठबंधन नहीं है। जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन की बात अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी को पहल करनी पड़ेगी, अमित शाह जी को देखना पड़ेगा, और उसके बाद स्थिति को देखकर हम कन्विंस होंगे कि क्या कारण था हमको नीच कहा गया, क्या कारण था हमको हिस्सेदारी से वंचित किया गया। हम इन चीजों पर पूरे तौर पे कन्विंस हो जाएंगे तब जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन की बात हम करेंगे, वरना आज की तारीख में जो व्यवहार, जो रवैया मेरे साथ हो रहा है, मैं दुखी मन से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी से मेरा गठबंधन है और रहेगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से अब तक मेरा कोई गठबंधन नहीं है। अगर पहल नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप गठबंधन छोड़ देंगे? अभी हम क्यों मान लें कि पहल नहीं होगी? अभी हम क्यों मान लें कि पहल नहीं होगी? आपने कहा कि बीजेपी के नेता स्टेटमेंट अभी तक वापस नहीं लिया गया सर, तब तो वजू नहीं दे रहा है। अगर देना होता तो जो बात नहीं सर, सर एक सीट नहीं स्पष्ट तौर पे अभी 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 देखिए, बीजेपी अगर तवज्जो नहीं देती तो घोषणा हुई थी दिल्ली से कि दो तीन दिनों के अंदर सीटों की संख्या घोषित कर दी जाएगी। आप समझ सकते हैं, अब तक नहीं घोषणा हुई, जब तक हम लोगों से बात नहीं होगी तब तक घोषणा नहीं होनी चाहिए, मेरी अपेक्षा भी है और उसको लगता है कि ऐसा हो भी रहा है। यानी उपेंद्र कुशवाहा के इर्द-गिर्द पूरा एनडीए घूम रहा है? हम ऐसा नहीं करें कि मेरे इर्द-गिर्द एनडीए पूरा घूम रहा है या घूमे, मेरी मंशा नहीं है, लेकिन एनडीए जिधर घूमे तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ घूमे। यानी कि टिकट बंटवारा का मामला हो या विस्तारीकरण का मामला हो मंत्रिमंडल में, उपेंद्र कुशवाहा बिना सहमति के कुछ नहीं होगा? हम यह नहीं करें कि मुझसे सहमति हो, लेकिन बैठ कर विमर्श तो हो, अमित शाह जी से बैठ कर विमर्श तो हो। ऐसा नहीं, अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है अब तक। उसमें व्यवहारिक कठिनाई कुछ मेरे साथ भी थी, आप लोगों को मालूम है कि बिहार में मैंने अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के चलते और इधर त्योहार के चलते समय ज्यादा दिया है, मुझको ही ठीक से समय दिल्ली में रहने का नहीं मिल पाया है, और पांच राज्यों में जो अभी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इस वजह से उन लोगों की भी व्यस्तता रही है, तो उस व्यवहारिक कठिनाई को मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी और उनके साथ भी। इसलिए उनकी ओर से तो जिस दिन नीतीश जी ने और अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था,
उसी दिन मुझको संवाद मिला था और दिल्ली उससे एक दिन पहले वहां से दिल्ली से चला था, तो उस वक्त भी मुझको कहा जा रहा था कि आप रुक जाइए, लेकिन तब व्यस्तता मेरी थी, मैं नहीं रुक पाया था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब बात होगी ऐसा मुझको लगता है। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज, पटना।